सो वेलकम टू कुक एंड ब्लॉग विद अंजलि। सो गाइज, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग से सुपर टेस्टी और हेल्दी पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी। तो कभी कभी क्या होता है कि प्याज जिसे नहीं खाना होता है और उस दिन समझ में नहीं आता क्या बनाएं, तो आज ऐसे ही टाइम के लिए जब हमें जिस दिन अनियन गार्लिक नहीं खाना, जो लोग हमेशा नहीं खाते वो तो खैर मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो बिना अनियन गार्लिक के नहीं खा पाते हैं हर एक चीज़, तो ब्रेकफास्ट आइटम है, बहुत यम्मी पराठे बनते हैं। घी के पराठे की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम, उसमें आपको घी का जो फ्लेवर है ना वो पता ही नहीं चलेगा कि ये घी के पराठे हैं या किस चीज़ के पराठे हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। जो जो चीज़ें मैं उसमें डालूंगी पराठे बनाते टाइम, तो वो सब चीज़ें फॉलो कीजिएगा तो सुपर से बनेंगे आपके पराठे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और फटाफट से किचन में चलते हैं और लेते हैं घीया और स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो चलिए फिर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया घीया और कुछ हरी मिर्चें, साथ में थोड़ा सा अदरक भी लूँगी मैं। चलिए घीया को पील कर लेते हैं पहले और ग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने दो चिलीज काट ली बारीक बारीक और थोड़ी सी अदरक ग्रेट कर ली है और हम लेंगे थोड़ा सा हींग। और यहाँ पे हमने घीया भी पील करके रख ली है, इसको हम ग्रेट करेंगे अभी। तो चिली ग्रेटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने घीया को ग्रेट कर लिया है और साथ में ही मैंने ये कसूरी मेथी है इसको भिगो के रख दिया है। और मेरे पास हरा धनिया नहीं है बट मेरे पास पुदीना पाउडर है, तो हम इसको भी यूज़ करेंगे। चलिए अब इसमें ड्राई स्पाइसेस डालते हैं, मैं धनिया पाउडर भी डालूंगी। तो चलिए सॉल्ट एज पर टेस्ट, चूँकि अभी हम आटा डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्ट देख लीजिएगा। जो घीया जो है अपना पानी भी छोड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग ही। यहाँ पे हमने लाल मिर्च लिए है, थोड़ी सी हल्दी इफ़ यू वॉन्ट तो डाल दीजिए, और साथ में मैंने डाला है पुदीना पाउडर आधा पौना चम्मच के करीब। चलिए डाल देते हैं धनिया पाउडर। ये पराठे इतने चटपटे और अच्छे बनेंगे कि आपको किसी अचार की भी नीड नहीं होगी। साथ में हम ले लेते हैं थोड़ा जीरा पाउडर। चलिए निकाल लेती हूँ जीरा पाउडर अपनी छोटी सी डोली में से, जिसे मैं हरिद्वार से लेके आई थी। चलिए निकाल लेते हैं और डाल लेते हैं। तो ये मैंने डाला जीरा पाउडर। अब हमारे जो स्पाइसेस जो है वो हो गए हैं। अब हमें मेथी यूज़ करनी है, ये वाली मेथी जो हमने भिगो के रखी हुई है। तो पहले मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। हरा धनिया हो तो बहुत फ्रेशनेस इंक्लूड कर देगा। अब मेथी को हम खूब अच्छे से निचोड़ के फिर डालेंगे, बहुत ही अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि कुछ पानी जो है हमारे स्टफिंग के अंदर ज़्यादा ना हो, क्योंकि घीया भी पानी छोड़ेगी। तो फिर हम इसका आटा लगाएंगे। क्या बना रहे हो? साथ में ले रही हूँ आटा और हम आटा टाइट सा डो प्रिपेयर करेंगे, पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, घीया भी पानी अपना छोड़ देती है। आटा उतना ही लेना है जितना हमारा घीया जो है ऑब्जर्व कर ले। तो चलिए मिक्स करते हैं अच्छे से। अच्छे से दबा दबा के हम आटा तैयार करेंगे। ये गाइस, मैं घीया को तब तक मलती रही जब तक उसने पूरा सूखा आटा ऑब्जर्व नहीं कर लिया। अब मैं थोड़ा सा सूखा आटा साइड में डस्ट करके इसको रैप करके रख दूंगी, 5 मिनट्स के लिए रेस्ट कराएंगे। तो अब हम आटे को सूखे आटे में अच्छे से रैप कर लेंगे ताकि घीया कितना भी पानी छोड़े पर हमारा आटा ढीला ना हो पाए। बस रैप करके इसको 5 मिनट्स के लिए रेस्ट कराएंगे साइड में रख के, और इसको ढक के रख देंगे। मैंने सूखे आटे को नीट नहीं किया है, इसी को ऐसे इसी तरीके से ढक के रख देंगे। तो जितने मेरा आटा रेस्ट करा था मैंने दूसरी तरफ मक्खन बना लिया है। तो अब ये थोड़ा सा ही बनाया है, बाकी मैं और बनाऊंगी। तो मक्खन हम अपने पराठे पे रख के खाएंगे तो पराठे के टेस्ट जो है सुपर्ब हो जाएगा। घर का बना मक्खन तो अमेजिंग ही होता है। तो यहाँ आटे ने रेस्ट कर लिया और मैंने इसको अच्छे से नीट कर लिया। चलिए बेलते हैं अब। तो हमने बेल के तवे के ऊपर चढ़ा दिया है, इसको अच्छे से घी लगा के दोनों तरफ से दबा दबा के पकाएंगे अपने पराठे। तो हम इसे बनाएंगे देसी घी में और घी लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से क्रिस्पी सा रेडी करना है। और देखिए कितना अमेजिंग पराठा हमारा बनके तैयार हो जाएगा और बच्चे बड़े सब लोग इसको बहुत ही खुश होके खाएंगे। आप ज़रूर इस पराठे को, अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया है ना, तो ज़रूर एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा।
और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, कि आपको पता ही नहीं चलेगा, कि इस बच्चे को पता नहीं चलेगा कि उसने घिया खा ली और घिया का परांठा, बच्चा भी खा लेगा। घिया तो अच्छी होती है बच्चों के लिए भी, तो ज़रूर बच्चों को बना के खिलाइए, लंच बॉक्स में दीजिए या फिर ब्रेकफास्ट में खुद खाइए, या अभी नवरात्रे आ रहे हैं नवरात्रों में घर पे बना के खाइए। और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए आटा इस तरीके का मैंने बनाया था, बिल्कुल टाइट, अब तक भी ये टाइट है, देखिए किस आराम से बिल गया था, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ मैंने क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार सा पराठा जिसमें कसूरी मेथी भी डली हुई है इसको उतारा है और ऊपर से मक्खन लगाया है। हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, कैसी लगी आपको ज़रूर बताना गाइस, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके बाय गाइस, टेक केयर।